ये जिंदगी की कभी हार नहीं होती, बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती, गुनाह तो करवाती इंसान की मजबूरियां, ये जिंदगी है कभी गुनहगार नहीं होती। ये क्या बात है बेटा, एक गीत बजा। कौन सा? अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ये इसे कहते हैं ढोलक। ये कांच की चूड़ियां भी मैंने छनकाई, अपनी जुल्फें भी मैंने बिखराई, और तुझको जंजीरी तुझको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हर मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हर बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ये भाई आज तक इस गीत को कहीं गाया नहीं गया ना, पहली बार इस गीत को निकाल रहा हूं। सुनिए, क्योंकि जब कहीं ऐसे कलाकार मिलते हैं हाँ। जिनके पद चिन्हों पर चलने का साहस बना के चलता है लोग, बिल्कुल चलते हैं कलाकार, आज आज ऐसे कलाकार के सामने डालने से मुझे खुशी महसूस होगी। आज पहली बार इस गीत को निकाला है, देखिएगा एक बार। माता सीता ने प्रभु राम से मजाक कर दी, कहा आपने कभी दान नहीं किया है, कभी किसी को भोजन नहीं कराया है, मैं चाहती हूं, मेरी इच्छा है कि आज आप भोजन पर किसी को बुलाइएगा। इतने में महाराज अगस्त का आमंत्रित कर देते हैं प्रभु राम, महाराज अगस्त आते हैं खाने के लिए, और श्रीमान जी इधर खाना तैयार मां जानकी खिला रही हैं, अगस्त मुनि खा रहे हैं, सारा भंडारा खा गए। क्या हो? माता अन्नपूर्णा को बुलाया, बोले माँ ये भंडारा भरी है, भंडारा भरा गया फिर खा गए, बिल्कुल। अब खाते खाते 15 दिन व्यतीत हो गए, अब माता चकित सोचने लगी कि कैसी करुणा मई की कलाकारी है, सोच परेशान है, विचार करने लगी
कि कैसी करोड़ा मई की कलाकारी है, चित से चक्कर चलाते चमत्कारी है। भगवान ने कहा, बहुत तो कह रही हो, मुझे तो कह रही थी कि किसी को खाने पर बुलाएं, अब एक मुनिवर का पेट नहीं भर पा रही हो ना? एक मुनिवर का पेट नहीं भर पा रही हो, तब हुआ क्या? अब जब देखा, मुनिवर कहने लगे, बोले माँ भंडारा तो है ही नहीं, बस पानी ही पिला दीजिए। बिल्कुल। और जब पानी की बात आई तो कहना है क्या, क्या पानी पानी अरे समस्या खड़ी हो गई। अब समस्या खड़ी हो गई, मुनिवर सोच में पड़ गए। सोच क्या रहे हैं? प्रभु राम ने कहा कि समय आने पर पानी पिलाया जाएगा। मुनिवर सोच रहे हैं, बोले यार ये कैसा मैटर है, यहां तो राम खिलाने के लिए बुला रहे हैं। बिल्कुल। अब मैंने पानी मांगा तो कह रहे हैं बाद में पिलाएंगे। तो बहन जी, अब दो युगों को साथ में ले रहा हूं। मुनिवर सोच रहे हैं कि राम जी खिलाए, यहां त्रेता में, कि राम जी खिलाए जाओ और श्याम जी पिलाए। ये तालियों के लिए बहुत बहुत वाह गुरु वाह। अब मुझे लग रहा है कि कीर्तन के श्रोता बैठे हैं। बस बिल्कुल। पानी पानी अरे हाँ, पानी पानी पुकारे परोपकारी। तो राम जी खिलाए और त्रेता में राम खिला रहे हैं, और उधर द्वापर में कि राम जी खिलाए और श्याम जी पिलाए। लेकिन पिलाए कब? अरे गोवर्धन से प्रभु जी कैसी लीला रचाए। ये सात दिन लगातार पानी वर्षा, क्योंकि गोवर्धन की पूजा आरंभ हो गई। बिल्कुल। गोवर्धन की पूजा जो आरंभ थी, पहले इंद्र की पूजा होती थी, पहले इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा ना की, अब गोवर्धन की पूजा आरंभ कराई, तो लगातार सात दिन पानी वर्षा, तब जाकर के मुनिवर ने वह पानी पिया। इसलिए कहना पड़ रहा है, अब सोच रहे हैं कि राम जी खिलाए अरे श्याम जी पिलाए, गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए। गोवर्धन से प्रभु जी लीला रचाए। अरे 51 पत्र मुद्राएं सामान्य भैया, मुन्ने हैं हरि के हितकारी। भगवान राम सागर पर पुल निर्माण करा रहे हैं, सागर पर पुल बंधवा रहे हैं, और सभी भालू बानर एकत्र होकर के पत्थर ला रहे हैं। बिल्कुल। तो कहना है के हर सित हनुमान है हरि के हितकारी, सुना संदेश है सबने सरकारी। सबने संदेश को सुना कि पुल पूर्ण निर्माण हो गया, जो व्यक्ति जहां जो पत्थर लिए हो क्या बात है बड़ा, वो पत्थर वहीं रख दे। वाह, प्रभु राम का आदेश है। अब हनुमान गोवर्धन लेकर के चल रहे थे। हनुमान गोवर्धन लेकर के आ रहे थे, और जब ये संदेश पहुंचा तो
संदेश पहुंचा तो हनुमान महाराज ने गोवर्धन को रख दिया। वो जब रख दिया तो गोवर्धन सोच सोच परेशान, क्या सुन के सुचिवास सरल बात स्वीकारी। सबने बात को स्वीकार लिया। अब गोवर्धन सोच सोच परेशान हो गया, बोले प्रभु दुखी हो गया। कहने लगा नाथ, अरे राम जी बैठाए लो बेटा। सोचने लगे, गोवर्धन सोच के परेशान है, दुखी हो गया। कहने लगा मेरा भाग तो देखिए, मैं प्रभु राम के काम नहीं आ सका। तो कहने लगा, अरे राम जी बिठाए, क्योंकि राम का आदेश आ गया। जब भगवान राम ने कहा ठीक है तुम दुखी मत हो, तुम यही बैठो, और जब हम त्रेता में आएंगे द्वापर में आ गए तब होगा क्या। अरे राम जी बिठाए, और जब हम द्वापर में आ गए तब, तो राम जी बिठाए और श्याम जी उठाए। ये राम जी बिठाए और श्याम जी उठाए। लेकिन विशेषता, अरे गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए। ये तो गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए, गोवर्धन से कैसे प्रभु लीला रचाए, अरे गोवर्धन से कैसे प्रभु लीला रचाए। जब एक बात और देखिए, प्रभु राम का विवाह हो रहा है, सभी देवता विवाह का आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव तीनों बैठे हैं, आपस में विचार करने लगे। हाँ बहन जी, कि आज पुरंदर समय को नाही। क्योंकि एक बार इंद्र को श्राप मिल गया कि जब तेरे तन में हजारों भग हो जाएं, और तपस्या के बल पर वही भग नेत्र में बदल गए। क्या बात है बेटा। तो तीनों ने पढ़ा चढ़ा के उसका सम्मान बना दिया, कह दिया सभी देवताओं ने और क्या? कि आज पुरंदर समय को नाही, आज पुरंदर के समान कोई बड़भागी नहीं है, हजार नेत्रों से प्रभु राम का विवाह देख रहा है। आज इंद्र इंद्र के समान कोई नहीं है भाग्यशाली। तो कहा क्या, उमा उत्सव में देते हैं उपकारी, उमा उत्सव में देते हैं उपकारी, उपल पापलवान बन गए हैं बलकारी। बलवान बन गए, लेकिन क्योंकि देवताओं के राजा हैं, लेकिन अब के दाता दीपक अरहा, के दाता दीपक बोधे को दलनकारी। फिर इंद्र सोच रहा है, फिर इंद्र सोच रहा है कि इधर राम राम सम्मान बढ़ा रहे हैं मेरा, राम के विवाह में मेरा सम्मान हो रहा है, तो इधर द्वापर में देखिए कहा है, राम मान है बढ़ाए,
विवाह में। राम मान है पढ़ाए और इधर द्वापर में श्याम मान है घटाए ये, क्योंकि मेरी पूजा बंद करा दी, अब गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी। तो कहा राम मान है बढ़ाए श्याम मान है घटाए, बीच में है कौन कौन? तो गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए, ये तो गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए, गोवर्धन से कैसी प्रभु लीला रचाए, अरे गोवर्धन से कैसी प्रभु लीला रचाए। ये बहनी पहले गीत को समझिए फिर जवाब लिखिए, क्योंकि मेरे पूरे गीत में गोवर्धन नहीं छूट रहा है ना, द्वापर त्रेता दोनों युगों को लेकर के चल रहा हूं, गोवर्धन से जो भी कार्य हो रहा है वो गोवर्धन से हो रहा है, समझिए, क्योंकि गोवर्धन की पूजा की हाँ। उधर इंद्र का अपमान हो गया, बिल्कुल प्रभु राम के विवाह में इंद्र को सम्मान मिला और का, और भगवान कृष्ण के राज्य में अपमान मिला हाँ। लेकिन मिला किसके कारण? वो है गोवर्धन। वाह, दाता दीपक अरे हाँ, दाता दीपक वो देखो दलन कारी, श्याम मान है बढ़ाए श्याम मान है घटाए, अरे गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए, अरे गोवर्धन की कैसी प्रभु लीला रचाए, अरे गोवर्धन की कैसी प्रभु लीला रचाए, और गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए, गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला।